इसमें ये न्यू चीज़ है दोस्तों को मैं बताता हूँ क्या है। देखें व्यूअर्स, ये डोर है, ये डोर के ऊपर मैंने छोटी सी खिड़की एक रखवाई है। ये देखें, मतलब कि सम टाइम को बर्ड लेके आओ या कुछ हो, आपको ये बड़ा डोर खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, इस छोटी विंडो से आप इसको ईजीली अंदर छोड़ दो। जी दोस्तों, ये शेड कंप्लीट हुआ। जी दोस्तों, दीवारों के बाद ये मैंने एंगल की जगह सरिया चूज़ किया। ये मतलब 3.5 फुट की लेंथ है, 1.5 फुट में ये स्क्रैप से सरिया लेके आया हूँ। और ये जिस्ती जाली मोटी, मतलब ये जो कुत्तों वगैरह के लिए भी होती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको चूज़ किया। और छत के लिए चादर है अभी, इसके अलावा जो है थोड़ी सी एंगल आएगी चादरों के नीचे लगने के लिए, और उसके अलावा पट्टी आएगी। अब आगे देखते हैं, ये जो है वेल्डर अपना सामान रख गया, अभी वो आएगा बनाने के लिए। जैसे वो बनाएगा फिर मैं दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करना। छत पे इसके दोस्तों चादर, ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, ये डोर एक अलग, ये अलग, यानी कि मैं कल को जब भी अंदर चाहूँ पार्टनर इसके पार्टीशन करने की मैं इजीली कर सकता हूँ। वैसे तो ये जोड़ों के भी काम आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो कि मौसम चेंज हो गया, जुलाई का मंथ स्टार्ट है, तो मैं इधर बच्चे और जितने भी फीमेल्स हैं शेड में छोड़ दूंगा, मेल परले शेड में रहेंगे। इसी तरह देखूंगा जो, मतलब ये शेड इस तरह के, आप इसमें आप किसी भी तरह का शौक कर सकते हैं। तो बाकी स्टार्ट से अब तक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों के साथ शेयर की है। उम्मीद करूँगा दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये जी न्यू शर्ट जो है मैंने अपना जो ब्रीडर्स बर्ड्स के लिए बनवाया, दोस्तों के साथ शेयर किया। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, ये शर्ट कंप्लीट हुआ।